उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। लोकसभा सीट मैनपुरी और विधानसभा सीट रामपुर पर उपचुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई है। साथ ही आजम खान के जेल जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हुई है और ऐसे में दोनों ही महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी का गढ़ ही ये दोनों सीट रही हैं। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 3 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएंगे। इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव क्या अपनी अग्नि परीक्षा में पास होंगे। तो अखिलेश की अग्नि परीक्षा, सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण सीटें हैं, मैनपुरी की लोकसभा और रामपुर की विधानसभा सीट। आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, कई लंबे समय से आजम खान का इस सीट पर कब्जा रहा है, समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो वहीं मैनपुरी जो लोकसभा सीट है वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन अब दोनों ही सीटें अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, ये जो दोनों सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा इन सीटों पर रहा है, लेकिन 3 उपचुनाव लगातार समाजवादी पार्टी हार गई है। वह हाल ही में लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी हार गई, वहां से बीजेपी जीती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, 2014 में मैनपुरी और आजमगढ़ सीटों से लड़े थे चुनाव अखिलेश, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह। दोनों ही सीटों पर जीते थे मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, दोनों ही सीटों पर जीत कायम की। मैनपुरी सीट छोड़ने पर उपचुनाव में जीते SP के तेज प्रताप। इसके बाद 2019 में मुलायम सिंह यादव फिर मैनपुरी सीट से जीते, 2014 में जीते, फिर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब जीते। बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को करीब 1,00,000 वोटों से हराया था मुलायम सिंह यादव ने। 1996 से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है ये मैनपुरी सीट, तकरीबन 26 साल हो गए। 2004 से सपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर होती रही है। साल 2004 से 2014 में मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों ही सीटों से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े, हालांकि इन्होंने मैनपुरी को छोड़ दिया और इसके बाद फिर वहां पर चुनाव हुआ, दोनों ही सीटों पर जीते भी थे। दोनों सीटों पर जीतने के बाद मैनपुरी सीट छोड़ने पर उपचुनाव में SP प्रत्याशी तेज प्रताप जीते थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे तेज प्रताप। 2019 में मुलायम सिंह फिर जीते मैनपुरी सीट और 1996 से लगातार मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। तकरीबन 26 साल हो गए और 26 सालों से ये सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गई है। और ऐसे में सवाल ये है कि जब लहर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, लहर बीजेपी की चल रही है, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं बीजेपी अव्वल आ रही है उनमें, तो क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी समाजवादी पार्टी। सवाल ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी का गढ़ भेद देगी बीजेपी या फिर कांग्रेस। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैनपुरी में जातीय गणित क्या कह रहा है वो आपको समझा देते हैं। शाक के वोटर तकरीबन 2,90,000 आते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट पर, जातीय गणित है वो, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। 2,00,000 मतदाता हैं क्षत्रिय मतदाता, जिनकी संख्या 2,00,000 है। ब्राह्मण वोटर 1,10,000 मैनपुरी लोकसभा सीट पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक बघेल हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। भरत गांधी हैं राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। भरत जी आपका ही बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक बघेल जी, सबसे पहला सवाल आप ही का,
दो सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कल एक उपचुनाव जीते भी हैं आप, उसके लिए आपको सबसे पहले बधाई भी मैं दूंगा। लेकिन जो जिन दो सीटों पर उपचुनाव होगा, लोकसभा की मैनपुरी और विधानसभा की रामपुर, दोनों ही जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा इन सीटों पर रहा है, तो कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए देखते हैं आप, अपने लिए देखते हैं, या फिर इनको भी जीतने में आप कामयाब हो पाएंगे? सर्वप्रथम तो धन्यवाद। लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी लगातार जीत जा रही है, उससे पहले देखिए आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी जीत दर्ज करी थी, और लगातार 2014 से विजय उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चलना है वो लगातार बदलती जारी है, और एक के बाद एक हम जीते जा रहे हैं। इससे पहले भी आजमगढ़ को भी दर्ज कहा जाता समाजवादी पार्टी का, उसको भी भेजने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे रामपुर की तो उसका भी अगर काफी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैनपुरी के अंदर भी देखिए स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का घट रहा है, समाजवादी पार्टी का घट रहा है, परंतु उसमें भी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके अपनी बढ़त बना रही है, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इस बार मैनपुरी की जनता भी समझ गई कि किस प्रकार से एक जाति की राजनीति से बाहर निकलना है, क्षेत्र की राजनीति से बाहर निकलना और पूरे प्रदेश के साथ में मैनपुरी को जोड़ना है। जो डबल इंजन की सरकार है उसका इंजन की जो रफ्तार के साथ में मैनपुरी को भी जोड़कर मैनपुरी को भी आगे लेकर जाना है, इसके लिए लगातार मैनपुरी की जनता भी काम कर रही है, और वो भी देखिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा। किस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी कह रही थी कि गोला के अंदर समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने दिया जाएगा, परंतु जब उपचुनाव के रिजल्ट आए तो वो सपने देखे, आपने भी देखे, हमने भी देखे, बड़े बड़े वादे और बाद में निकला कुछ भी नहीं। तो ये समाजवादी पार्टी के साथ गोला विधानसभा सीट पर तो आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी ने, और आरोप ये था कि आपने अपने दोनों डिप्टी सीएम को प्रचार में लगा दिया, मुख्यमंत्री खुद प्रचार करने जा रहे हैं, आरोप यह भी था कि सहानुभूति की एक लहर चली है इसलिए बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत नहीं पाती अगर सहानुभूति की लहर ना होती तो। सुन जी, इससे पहले भी 6 महीने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही वो सीट रही थी, ऐसा नहीं कि उससे पहले वो किसी और की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीत कराई और उसके बाद भी उस सीट को जीतने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव के समय पर जाकर उठे, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रहती है, प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहती है, और हम चुनाव के लिए भी उतने ही पूर्ण रूप से सजग रहते हैं। जब चुनाव आता है तो हम उसकी पहले से तैयारी करके रखते हैं, विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख तक हमारे संगठनात्मक ढांचा है जो लगातार इस पे कार्य करता रहता है, जबकि अन्य पार्टियों में देखें तो समाजवादी पार्टी को तो नीम ही 6-6 महीने पहले होते, विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले तो अखिलेश यादव जागे थे, और यहाँ पर तो स्वयं अखिलेश यादव जा भी नहीं पाए। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी सेना है जो अपने सेनापति के बिना वहां पर जीत कर दिखाएगी? तो ये अपने आप में एक चीज दर्शाती है, जिस प्रकार से ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, चुनाव आयोग को उठा रहे थे, एक प्रकार से समाजवादी पार्टी तो तत्पूर्व में ही हार गई थी, परंतु उनको किसी ना किसी के सर पे हार का ठीकरा फोड़ना था, तो उन्होंने उसकी पहले से ही एक व्यू रचना तैयार की थी, और उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के खुद के चरम उन्हीं उनको दे दी गई। ठीक है, भरत गांधी जी मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ है सर दोनों ही सीटें, चाहे रामपुर हो चाहे लोकसभा की मैनपुरी हो, क्या लगता है गढ़ भेदने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी या गढ़ बरकरार रहेगा सपा का? देखिए जहां तक मैनपुरी की बात है, वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत तभी संभव है जब शिवपाल जी और अखिलेश जी सामूहिक प्रयत्न करें, जो संभव नहीं दिखा। उसकी वजह यह है कि शिवपाल जी के साथ इतना धोखा हुआ है कि अब वो समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर सकते, और अगर समर्थन करते हैं तो वो अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, एक रास्ता दिखता है कि अगर शिवपाल जी के बेटे आदित्य यादव जी को समाजवादी पार्टी टिकट दे दे तो ये दोनों परिवार एक रह जाएंगे, और जो पारंपरिक वोट बैंक है उसमें डिवीजन नहीं हो पाए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह के व्यक्ति हैं और अतीत में जैसा कुछ उनका दिखा है काम करने का ढर्रा, उससे वो मैनपुरी की सीट अपने हाथ से जाने देना पसंद करेंगे। लेकिन अपने भाई को आदित्य यादव को संसद भेजना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैनपुरी की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। रह गई रामपुर की बात। रामपुर में अब जो सिचुएशन है
चुनाव कुछ उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर अभी विधानसभा में पिछली बार चुनाव हुआ था या लोकसभा की जो भी बाई इलेक्शन हुए थे उसमें चुनाव हुआ था। तो ये ठीक है कि रामपुर की भी जो सीट है वो मुस्लिम बहुल है और वहां आजम खान जी का दबदबा रहा जो अब जेल में है और ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक सूरज अस्त हो चुका है, लोग निराश भी हैं। तो ऐसी स्थिति में रामपुर की सीट भी बचाए रख पाना अब समाजवादी पार्टी के लिए लगभग असंभव। तो मेरा तो आकलन यही है कि मैनपुरी और रामपुर की दोनों ही सीट ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, लेकिन जो आपका विश्लेषण है वो ऐसा बताता है। मेरा विश्लेषण जो जितनी मेरे पास उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समझ है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, शौकत अली खान नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, आप थोड़ी सी देर से आए। अगर परिवार की फूट बरकरार रहती है सर, अगर यही फूट चलती रहती जो चली आ रही है शिवपाल यादव अखिलेश यादव में, तो आप मैनपुरी भी हार जाएंगे बकौल भरत गांधी। हाँ, एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी राजनीति में कुछ विसंगतियां होती हैं जिसके कारण हम चुनाव हारते हैं और उन विसंगतियों पे जाकर विचार भी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हम हारे हैं जो हमें नहीं हारनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा रहा कार्यकर्ताओं में निराशा रही, तमाम और चीजों का भी नुकसान हुआ हम लोगों को, कई बार कार्यकर्ता आपस में मनमुटाव की वजह से घर बैठ गए, इस वजह से भी हम चुनाव हारे हैं। तो तमाम चीजों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है, लेकिन अगर कोई ये अहंकार करे नहीं कि भारत में हम बार बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं तो ये अहंकार सही नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में, तो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक चलन अपना लिया है। अभी पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह पर्चे फाड़े गए, ऐसे तमाम चुनाव में हम लोगों ने उदाहरण देखा डीएमएसपी का किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो जब कहीं उपचुनाव हो रहे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कतई भी जरा सा भी नहीं चूकती है कि किस तरह दुरुपयोग किया जाए, पुलिस के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, तमाम और तरीकों से किस तरह दुरुपयोग करती है सारे जग ने देखा है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर मैं स्वीकार करता हूं कि जब चुनाव होता है तब हम कहीं ना कहीं ये अफसाय जरूर महसूस कर रहे होते हैं कि क्या परिणाम होगा। अभी जैसे 2022 का जो परिणाम था, पार्टी का आलाकमान होता है ना शौकत अली खान, उनको भी चाहिए कि वो जाकर ग्राउंड पर उतरें और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। कार्यकर्ताओं का मनोबल ही टूट जाएगा जब पार्टी के आलाकमान ही नहीं जाएंगे। तो अखिलेश यादव पहले से ही भाप गए थे क्या, गोलाबू हार रहे हैं इसलिए नहीं गए? दो विधानसभा सीटों पर पहले आप हार चुके हैं, कल गोलाबी आप हार गए, लगातार तीन उपचुनाव हार गए सर आप उत्तर प्रदेश के अंदर। शिवम भाई, आपने विधानसभा का परिणाम देखा होगा, किस स्तर पे हम लोग चुनाव लड़े, युद्ध स्तर पे चुनाव लड़े, वो आप परसेंटेज देख लीजिए हमारा क्या हुआ। हाँ, ये विसंगतियां नहीं है कि हम उपचुनाव हारे हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उपचुनाव किस तरह हारे हैं इसको भी उत्तर प्रदेश ने देखा है, कि किन चीजों से हम चुनाव हारे हैं ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। देखिए, कहीं कहीं ऐसी भी सीटें हैं जहां 500 से चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव। अगर विसंगतियां होती हैं, आप चुनाव आयोग पर बार बार सर आरोप लगाते हैं, आप बार बार सरकार पर आरोप लगाते हैं, विसंगतियां इस तरह की होती हैं तो फिर आपकी सीटें क्यों आती है? इस बार आपको सीट मिली है ना विधानसभा चुनाव में, अगर कोई ज्यादा सीटें आप जीते हैं सर। शिवम जी, कोई आरोप लगाया जाता है उससे प्रमाण होते हैं, मगर प्रमाण के आरोप नहीं होते। अभी निर्वाचन आयोग के आरोप लगाया गया, उसके प्रमाण भी मांगे गए, हम लोग सिद्ध करके देने का काम करेंगे। और मुझे लगता है शिवम जी कि आप जर्नलिस्ट हैं, अच्छे से चीजों को समझते होंगे, आप भी ग्राउंड पे यदि आप कैमरा लेकर निकल जाइए और एक विधानसभा में ठीक से घूम लीजिए तो एक घर के दो वोट नहीं होते, ये आप अच्छे से जानते होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो भी अगर सच स्वीकार करने की ईमानदार रखे तो वो भी कहेंगे कि हाँ, हम जिस पोलिंग पे थे वहां भी 100 नाम नहीं थे। तो ये स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि जानबूझ के नाम काटे जाते या छोड़े जाते, तो यह प्रमाण है, इसीलिए आरोप लगाया गया। तो यह प्रमाण कहीं बड़े पैमाने पे भी हुआ है, एक एक विधानसभा में 10-10 नाम काट दिए गए और एक जाति विशेष काटे गए, यादव मुसलमान देखकर काटे गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो विसंगतियां भी हम सही करने का काम करें, अगर हमने आरोप लगाया है। ये बताइए, एक महत्वपूर्ण बात भरत गांधी जी ने कही, आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे, क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि आदित्य यादव सांसद बने मैनपुरी से? मुझे लगता है जिन महोदय ने अभी ये बात कही है उनको माननीय शिवपाल जी का बयान भी याद कर लेना चाहिए। माननीय नेताजी के ध्यान के समय उन्होंने एक बयान दिया था कि जो लोग माननीय नेताजी को
देखना चाहते हैं वो अखिलेश के रूप में नेताजी के रूप में अखिलेश जी को देख सकते हैं। तो ये बयान बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे लगता है जब कोई ये कहेंगे ना परिवार में आदित्य यादव तो नेताजी के रूप में ही दिखेंगे ना सर, उन्हीं के तो हैं पोते। सुन तो लीजिए, अभी पूरी बात ही नहीं, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैंने कहा जब कोई नेता ये स्वीकार कर ले कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं तो इसमें कोई बीच में टीका टिप्पणी नहीं रह जाती। अगर माननीय सुखपाल जी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं तो फिर नेतृत्व तय करेगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। स्पष्ट तौर पर साफ सुखपाल जी ने कहा था कि हम नेता स्वीकार करते हैं, मतलब उनका कहने का उद्देश्य यही था। तो और कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि आप नेताजी के रूप में अखिलेश जी को देख सकते हैं, संदेश देने का काम किया था। तो आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानते हैं और परिवार भी उन्हें नेतृत्व के रूप में चुनता है। तो इसमें कोई विसंगति नहीं है, कहीं से कोई टीका टिप्पणी भी नहीं है कि कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। जो लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, समाजवादी पार्टी के रूप में वो प्रत्याशी बनकर जाएगा, उसे चुनाव अखिलेश यादव तो जाएंगे ना इस बार प्रचार करने। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सर चाचा भतीजे की जोड़ी देखने को मिलेगी इस बार मैनपुरी और आजम खान में जब चुनाव होगा दोनों ही सीटों पर? अभी इतना स्पष्ट जवाब दिया शिवम जी मैंने कि माननीय शिवपाल जी ने एक बयान दिया था उससे एक बात साबित हो गई थी कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के आज के दौर के नेता है और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं कहीं से। तो जब सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के सवाल लाना, इस तरह के जवाब मांगना मुझे लगता कहीं ठीक नहीं। ठीक है दीपक बघेल जी, आपके पास आऊंगा। क्या तैयारी है सर, क्योंकि लगातार उपचुनाव जीतते जा रहे हैं आप, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव हुआ, माफ कीजिएगा कल नतीजे आए और 4 सीटों पर आपने धाक जमाई है। इस बार मैनपुरी और रामपुर कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए मानते हैं, भेद पाने में कामयाब हो पाएंगे आप इस सीट को, दोनों ही सीटें? देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में चुनौती के रूप में लेता है और उसी प्रकार से अपनी तैयारियां भी करता है। हम संस्थान पर तैयारी करते हैं, सरकारी योजनाओं को वहां की गांव के सफाई तक पहुंचाने का काम करते हैं, विकास से पूरे प्रदेश में जो विकास हो रहा है वहां पर मैनपुरी का भी जो विकास है वो उसी प्रकार से उसी स्तर पर हम उसका भी प्रयास लगातार करते हैं। और मैनपुरी की जनता भी समझती है कि पूर्व में किस प्रकार से अराजकता का एक माहौल रहा, अपराधियों का बोलबाला रहा, उस सरकार से आज हटकर एक सुशासन की बात करने वाला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को जाना जाता है। आज उनकी ये चर्चा योगी मंडल की केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इसके अलावा भी आज हिमाचल प्रदेश में चला जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए तो इस मॉडल की एक चर्चा होती है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुशासन की व्यवस्था तैयार की गई। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठनात्मक स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर, विकास के स्तर पर और सुरक्षा कानून व्यवस्था के स्तर पर लगातार हर मोर्चे पर तैयारी करती रहती है और कर रही है लगातार। अभी मेरे साथी मित्र प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो भैया इनके तो राष्ट्रीय नेतृत्व स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है तो वो खुद ही तय करते हैं उनको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो इसका मतलब इनको पहले से पता होता है कि हमारी हार तय है, इसलिए वो वहां जाते नहीं और नीचे से प्रदेश अध्यक्ष को लगा देते हैं और अन्य नेताओं को लगा देते हैं जिससे हार का ठीकरा भी अगर किसी बार फोड़ा जा सके तो उस पर तय कर देते हैं। रही बात शिवपाल यादव जी की, तो इन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जी ने नेता स्वीकारा है, बिल्कुल शिवपाल यादव जी ने तो विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव को नेता स्वीकारा था, उसके बाद शिवपाल यादव जी को क्या परिणाम दिया, एक सीट तक चुनाव लड़ाया और उसके बाद एक सीट चुनाव लड़ाने के बाद में भी उनको अपनी पार्टी की अपने बैठकों में ना बुलाना, उसके बाद उनकी नाराजगी, अपने पिताजी से झगड़ा, ये लगातार समाजवादी पार्टी की संकीर्ण मानसिकता का ठीक है। मैं जवाब ले लेता हूँ शौकत अली खान से। शौकत अली, आप कहते हैं कि आपका हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जो पहुंच रहा है वो अखिलेश यादव, उसे आप मानते हैं। जब बात की जाती है अखिलेश यादव प्रचार करने क्यों नहीं जाते या अखिलेश यादव प्रचार करने जाएंगे तो आप कह देते हैं कि नेतृत्व तय करेगा। देखिए ये सत्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ नहीं पहुंचे, इस बात को हम लोग भी स्वीकार करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं पहुंचे थे और तमाम ऐसी सीटें रही हैं जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं पहुंचे। उसके बाद आजमगढ़ गोला, मैं एक ही बात की बात कर रहा हूँ, तमाम ऐसी सीटें रही हैं जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे, उसके बाद भी हम जीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जीत कर रहे हैं, तो जब कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर मेहनत कर रहा होता उसका परिणाम जरूर मिलता है। हाँ कुछ कमियां रह जाती हैं कभी कभी चुनाव में, कहीं हम नहीं पहुंच पाते, रहती हर सीट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन अब एक नई सपा है, नए तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पे काम कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव करीब है, बूथ पर जाकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ काम करना शुरू किया है, रिजल्ट भी अच्छा होगा। हाँ, एक बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि आजकल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कि सुशासन, लेकिन ये सुशासन दिखता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सुरक्षित नहीं, लेकिन कहा जाता है राम राज्य चल रहा है। अब कुछ लोगों को मैं क्या कहूँ कि हो सकता हो उनके लिए कानून व्यवस्था बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हत्याएं हों, वो इस चीज को बेहतर मानते होंगे। जनता ने तो स्वीकार है ना बीजेपी को, तभी तो लगातार बीजेपी तीनों उपचुनाव जीती ही, जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए जनता ने स्वीकारा है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं लखीमपुर खीरी का, आपने मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन लखीमपुर खीरी का कोई मुद्दा काम नहीं आया। महंगाई का मुद्दा आपने उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और यही काम कभी भारतीय जनता पार्टी किया कर। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव के समय कहा जाता था कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, अगर हम उठा ना रहे होते मुद्दों को तो आप आज बता भी ना रहे होते। अगर आप बता रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, भरत गांधी जी से कमेंट ले लेता हूं। भरत जी, समाजवादी पार्टी में जो फूट देखने को मिल रही है चाचा भतीजे की, क्या यही एक प्रमुख वजह मानी जाए जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार गिरता जा रहा है पिछले सालों से? देखिए, क्या है कि अभी जो शिवपाल यादव जी का बयान का जिक्र हुआ कि उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी में नेताजी की तस्वीर देखी जाए, मैं दूसरे बयान को भी याद दिला दूं। मैं सैफई गया भी था नेताजी को श्रद्धांजलि देने, और शिवपाल जी से एक घंटे लंबी चर्चा हुई थी, और मैंने उनसे पूछा कि क्या परिवार एक हो गया। तो उस समय भी उन्होंने कहा कि मैंने सार्वजनिक बयान दिया है कि अखिलेश यादव जी जितना अपमान कर सकते थे उतना उन्होंने किया, और यहाँ तक कि प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं डाला, और अभी अभी जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी प्रचारकों की सूची में भी नाम नहीं डाला। तो मेरे को नहीं लगता कि उनके बयान का ये अर्थ लिया जाए कि अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी अब संयुक्त रूप से कोई राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं। ऐसा अखिलेश जी नहीं चाहते, शिवपाल जी तो चाह रहे थे लेकिन अखिलेश जी नहीं चाहते। मेरे को लगता है कि अखिलेश जी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और जैसे आरोप लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर नहीं गए बाई इलेक्शन में प्रचार करने, उनका जो सर्वे रिपोर्ट थी शायद उनको पहले से बता रही थी कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। अब वो इलेक्शन प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग से हार रहे हैं या वोटरों के वोट नहीं देने से हार रहे हैं, वो बात अलग है, वो विवाद का विषय है। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो बहुत मजबूत, और उन्हें पता चल गया होगा कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, अगर वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो ये ठीकरा उनके सिर पर फूटेगा, इसलिए वो जानबूझकर के दोनों ही जगहों पर जाने से अवॉइड किए। और भविष्य में मैनपुरी में ये तो सपना नहीं देखा जा सकता कि अखिलेश जी ना जाएं, क्योंकि उनका घर है। तो अब चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन मैनपुरी में अखिलेश जी का जाना तय है, और मुझे पूरी विश्वास है कि अगर आने की मतलब साफ है कि जहां हार हो रही होती है वहां पहले ही भाप जाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव प्रचार करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाते। बहुत शुक्रिया भरत गांधी जी आपका, दीपक बघेल आपका बहुत शुक्रिया, नेता समाजवादी पार्टी शौकत अली खान आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव इस अग्नि परीक्षा में कितने पास हो पाएंगे? दोनों ही महत्वपूर्ण सीटें समाजवादी पार्टी के लिहाज से मानी जाती हैं, लंबे समय से गढ़ रही है। मैनपुरी तो सन 1996 से तकरीबन 27 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले समय से जो दृश्य हम देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत, तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए। इसी के साथ चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।